एक बूढ़े ने अपने तीनों बेटों को रूबरू बुलाकर अपनी तमाम नकदी जायदाद को मसावी तौर पर तकसीम कर दिया और एक बेश कीमत जवाहर दिखलाकर कहा कि इसका मुस्तहिक वो बेटा होगा जो मेरी ज़िंदगी के बकिया चंद अयाम में कोई नेकी का काम करेगा। कुछ अरसे के बाद एक लड़के ने आकर कहा कि अब वो जवाहर मुझे दीजिए। बूढ़े ने पूछा कि किस नेकी के इवज़ तुम ये जवाहर तलब करते हो। लड़के ने कहा कि एक शख्स ने 5,000 रुपये मेरे पास बतौर अमानत रखे, जिसके मुतालिक ना कोई नोश थी और ना कोई गवाह था। उस शख्स के वापस आने और अमानत तलब करने पर मैंने उसके 5,000 रुपये की अमानत उसको वापस कर दी। हालांकि अगर मैं इनकार कर देता तो वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सकता था। इससे बढ़कर नेकी का काम और क्या हो सकता है। बूढ़े ने हंसकर कहा कि नेकी का ये एक मामूली काम है जिसको कुछ अहमियत नहीं दी जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि तुम एक गुनाह से बच गए। अगर दूसरे दोनों लड़कों ने मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अच्छा काम ना किया तो मरते वक्त ये जवाहर तुमको दे दिया जाएगा। चंद रोज के बाद दूसरा लड़का बूढ़े बाप की खिदमत में हाजिर हुआ और जवाहर तलब किया। बूढ़े ने पूछा किस नेकी के इवज़। लड़के ने जवाब दिया कि दरिया नहायत तुग़यानी पर था। इत्तेफाकन एक लड़का पुल पर से दरिया में गिर गया। उसके माँ बाप और दीगर सैकड़ों अशखास में से किसी को उसके निकालने का हौसला ना हुआ। मैंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर बड़ी मुश्किल के साथ लड़के को ज़िंदा निकाला। इससे बढ़कर नेकी और कुर्बानी की और क्या मिसाल हो सकती है। बूढ़े ने हंसकर कहा कि हमदर्दी और इंसानियत का यह एक मामूली फेल है। अगर तीसरे बेटे ने इससे बेहतर कोई कारनामा नेकी अंजाम ना दिया तो ये जवाहर तुमको दे दिया जाएगा। चंद रोज़ के बाद तीसरा लड़का बाप की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बखिलाफ दोनों भाइयों के जवाहर तो तलब ना किया, अलबत्त अपनी कारगुजारी यूं बयान की, मेरा एक जानी दुश्मन नशा शराब से मखमूर पहाड़ के एक गार के मुंह पर इस तरीके से बेहोश पड़ा था कि इधर उधर ज़रा सी हरकत करने पर वो इस कदर बुलंदी से गिर कर ज़रूर मर जाता। बावजूद अपना दुश्मन जानी जानने के मैंने उसको उठाया और अपने मुंह को मैंने कपड़े से ढांप लिया ताकि अगर वो जाग जाए तो मेरी सूरत पहचानकर शर्मिंदा ना हो, और रात की तारीकी में अपनी पुश्त पर उठाकर उसके घर छोड़ाया। बूढ़े ने बिला तामल कहा, जवाहर का तुझसे ज़्यादा कोई मुस्तहिक नहीं हो सकता। नतीजा ये कि नेकी वही है जो दुश्मनों और बुरे लोगों के साथ की जाती है।